इंडिया में जो चीजें सस्ती हैं, वो बाहर के देशों में कितनी महंगी हैं। इस पेन में ऐसा क्या है कि इसे बनाने में 90,000 करोड़ लग गए? क्यों इस कॉमेडियन के बॉडी को मिट्टी के जगह सीमेंट में दफनाना पड़ा? और किटकैट कैसे बनता है भाई? ये वीडियो पे 50,000 लाइक तो बनते ही है, तो अभी लाइक कर दो यार। नंबर 24, कोको कोला कंपनी का कोई ओनर ही नहीं है। जी हाँ, कोको कोला कंपनी का कोई ओनर नहीं है। ये पूरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दम पर चलती है और कोको कोला के सबसे ज्यादा शेयर्स वॉरेन बफेट के पास है। 23, गाय की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपने अक्सर इंसानों के बारे में ऐसा सुना होगा, पर काउस की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अलग हो जाने पर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। नंबर 22, आप जो अपने बैग की जिप या अपनी पैंट की जिप यूज करते हो, वो सब जिप्स बस एक ही कंपनी की हो सकती है, जापान की YKK कंपनी। ये कंपनी आधी दुनिया के लिए जिप बनाती है। ये हर साल तकरीबन 7 बिलियन जिप्स बनाती है और इनके अलावा कोई और इतने जिप्स नहीं बनाता। नंबर 21, मैंने ये देखा कि हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और याद है ना, हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करने हैं। नंबर 21, एक गधा यानी डोंकी अपने चारों पैरों को देख सकता है। उनके अंग इस तरह से पोजीशन्ड होती है कि वो अपने सारे पैरों को एक साथ देख सकते हैं, वो भी बिना अपने सर को हिलाए। नंबर 20, चार्ली चैपलिन की बॉडी को कंक्रीट के ग्रेव में दफनाया गया था। दरअसल 1978 में दो क्रिमिनल्स ने चार्ली की बॉडी को उनके ग्रेव से निकाल लिया था और बॉडी वापस करने के लिए उन्होंने उनकी वाइफ को $6 लाख यानी कि 5 करोड़ पे डिमांड की थी। बाद में इन दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया और चार्ली की बॉडी को एक कंक्रीट ग्रेव में रख दिया गया। नंबर 19, इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ बैठने के पैसे लगते हैं, खाने के नहीं। रशिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप कितनी भी कॉफी पियो या कितना भी खाना खाओ, आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप वहां जितनी देर बैठे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। क्या इंडिया में भी ऐसे रेस्टोरेंट्स बनने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 18, डिज्नी अपनी मूवीज की वजह से काफी फेमस है, लेकिन वो अपनी मूवीज से उतने पैसे नहीं कमा पाती जितने वो अपने बनाए गए थीम पार्क से कमा लेती है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डिज्नी अपने मूवी से जितना पैसा कमाती है, उससे 2 गुना ज्यादा वो अपने थीम पार्क से कमा लेती है। नंबर 17, रिलायंस के सभी आउटलेट्स और ऑफिसेस में नॉनवेज बैन है, और इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी खुद पूरे वेजिटेरियन है। उन्हें नॉनवेज से इतनी ज्यादा नफरत है कि अपने घर तो दूर वो अपनी कंपनी के किसी भी ऑफिस या आउटलेट पर नॉनवेज बनने भी नहीं देते। अगर आपको कोई चीयर कर रहा है तो हो सकता है वो अंदर अनहैप्पी या डिप्रेस्ड हो। स्टडीज में पाया गया कि जो लोग अपनी लाइफ से उदास या फिर अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो दूसरों के लिए काफी ज्यादा चीयर करते हैं या दूसरों को आगे बढ़ते रहने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, भले ही उन्हें खुद मोटिवेशन की जरूरत हो। नंबर 15, जब रशिया और USA की लड़ाई चल रही थी, तब नासा के साइंटिस्ट ने $12 बिलियन खर्च करके एक ऐसा पेन बनाया जिसे स्पेस में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन रशिया के साइंटिस्ट ₹10 की मामूली सी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे। इनके लिए वो 3 इडियट्स का डायलॉग फिट बैठता है। नंबर 14, जब हम हमारे घर के अलावा किसी नए सराउंडिंग में सोते हैं, तो हमारे दिमाग का आधा हिस्सा ही सोता है, बाकी आधा हिस्सा हमें एक तरह से एक्टिव रखता है, जिसके चलते हम एक छोटी सी आवाज से भी उठ जाते हैं। ऐसा इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। नंबर 13, एक स्टडी बताती है कि आज के समय में जितने सर्वेंट्स यानी जो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले इतने ज्यादा लोग स्लेवरी नहीं कर रहे थे, यानी ह्यूमन हिस्ट्री में आज सबसे ज्यादा लोग स्लेवरी कर रहे हैं। नंबर 12, सक्सेसफुल होने का ये कोट हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस ऐसी करो जैसे आप कभी जीते ही ना हो और परफॉर्म ऐसे करो जैसे आप कभी हारे ही ना हो। भाई सच में ऐसा करके आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। नंबर 11, लेगो के खिलौनों में इन्वेस्ट करना गोल्ड में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा अच्छा है। मुझे भी ये पागल सी बात लगती थी जब मैंने ये सुना था, पर भाई लोग लेगो टॉयज का हर साल प्राइस 11% बढ़ता है, जो कि किसी स्टॉक बॉन्ड या फिर गोल्ड से ज्यादा है। नंबर 10, एलिफेंट शेर से नहीं डरते लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी से डरते हैं। जी हाँ, आपने कहानियों में जरूर सुना होगा कि हाथी चींटियों से डरते हैं, लेकिन असलियत में जंगल का ये सबसे भारी जानवर मधुमक्खी से डरता है। अगर मधुमक्खियाँ चाहे तो एक साथ मिलकर हाथी को भी मार सकती हैं। नंबर 9, ये तो हम सब जानते हैं कि चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से हम वहाँ ठीक से नहीं चल सकते, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि चांद पर कोई विसल भी नहीं मार सकता, यानी कोई सीटी भी नहीं मार सकता। नंबर 8, एक भालू ने भी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब सीरिया के एक ब्राउन बियर ने पॉलिश सोल्जर्स की खूब मदद की। वोस्टेक नाम के इस भालू ने पॉलिश सोल्जर्स के लिए बैटल फील्ड में कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पहुंचाने में इतनी मदद की कि वॉर के खत्म होने के बाद इस भालू को नॉन कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक दिया गया। नंबर 7, अगर किसी एक्टर के घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ लगे, तो उसका रीजन हो सकता है या तो उस एक्टर की कोई फिल्म हिट हुई हो या फिर उसका बर्थडे हो। लेकिन 2018 में एक्टर ओवन विल्सन के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बस उन
के फैंस को उनके स्टाइल में वाओ बोलना था। दरअसल ओवेन विल्सन अपने फिल्म में वाओ शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं और पूरी दुनिया में वो अपने वाओ बोलने के स्टाइल की वजह से फेमस है। नंबर 6, बोट्सवाना, एस्टोनिया, फ्रांस, इसराइल, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए, ये ऐसे देश हैं जो नॉर्थ कोरिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते, ये इनके हिस्ट्री की वजह से है। अब वो बताने के लिए पूरी हिस्ट्री क्लास लेनी पड़ेगी। नंबर 5, थॉमस एडिसन ने मरते वक्त एक ऐसी बात बोल दी कि सुनने वाले कंफ्यूजन में पड़ गए। मरने से कुछ देर पहले वो कोमा से होश में आए और बोले, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, यानी वहाँ सब कुछ सुंदर है। लेकिन इससे पहले कि उनसे इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि किस जगह की वो बात कर रहे हैं, थॉमस एडिसन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 4, मैं इस गैलेक्सी का सबसे बढ़िया सैंड कैसल बनाऊंगा, मैं इनमें से क्या चूज करूं? रुको, अपने डॉल से पूछते हूं। सोचिए, अगर आप कोई न्यूज चैनल पर डिबेट सुन रहे हैं और अचानक से सबटाइटल में आपको ये दो स्टेटमेंट दिख जाए। स्वीडन के न्यूज चैनल पर ऐसा ही हुआ जब लाइव पॉलिटिकल डिबेट के बीच ब्रॉडकास्टर्स ने किसी कार्टून शो का सबटाइटल फ्लैश कर दिया। हालांकि ये एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन सीरियस डिबेट के बीच लोगों को थोड़ा हंसने का मौका जरूर मिल गया। नंबर 3, हर फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट होता है, लेकिन जोकर फिल्म में मेकअप के लिए किसी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया गया, बल्कि जोकर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर हीथ लेजर ने खुद ही अपना मेकअप किया था ताकि उनका कैरेक्टर काफी नेचुरल लगे, ऐसा लगे जैसे कि वो फिल्म में खुद ही मेकअप करता हो, ताकि एक साइको टाइप इंसान के वाइब आ सके। नंबर 2, क्या आप ये जानते थे कि इंडिया में जो चीजें हमें सस्ती मिलती हैं वो एक्चुअली में बाहर की कंट्रीज में महंगी होती हैं? हमें लगता था इंडिया में कोई चीज अगर सस्ती है तो वो बाहर के देशों में और भी सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। सबसे पहले दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध इंडिया में 50 रुपए में मिल जाता है, वही अमेरिका में $1 यानी कि 80 रुपीज का मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में एक अमेरिकन एवरेज आदमी की सैलरी इंडियन आदमी के मुकाबले ज्यादा है और इस हिसाब से ये सही बैठता है। और दूसरे पे है आई ग्लासेस। एक अच्छी क्वालिटी के आई ग्लासेस यूएस में $369 यानी $30,230 में मिलेंगे और यही प्राइस इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार में मिल जाते हैं। थर्ड पे है टेलर मेड कपड़े। इंडिया में टेलर के सिले हुए कपड़े बहुत सस्ते में बन जाते हैं, लेकिन वही यूएस में एक अच्छा शर्ट सिलाने के लिए आपको ₹7,500 देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में बहुत कम टेलर्स हैं और वहाँ पे कपड़े सिलाना एक लग्जरी चीज कही जाती है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। नंबर 1, किटकैट कैसे बनता है? हमें खाते टाइम तो ये शेप मस्त लगती है, लेकिन ये शेप एक्चुअली में बनती कैसी है? सबसे पहले किटकैट का जो मोल्ड है उसे हीटिंग मशीन में हीट किया जाता है और उसके बाद उसके डिपॉजिट को एक डिपॉजिटर में डाल के वाइब्रेट करते हैं। और थर्ड में ये जो पूरा वेफर बनता है, इस वेफर के पूरे पीस को एक कटिंग मशीन में कट करते हैं, जितना किटकैट के पैकेट के साइज के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे बनता है किटकैट। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपके फेवरेट यूट्यूबर्स खत्म होने वाले हैं? इस आदमी ने गूगल पे ऐसा क्या सर्च कर दिया कि गूगल ने इसके घर पे ही अवार्ड भेज दिया? और 18 अगस्त को ऐसी क्या चीज होने वाली है जिससे आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो? भाई इस वीडियो को दबाओ और पूरा मजा ले लो। और अभी तक ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।